हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी आईक्यू में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से ही हम शुरू करने वाले हैं हिंदी, संपूर्ण हिंदी, जिसमें आपको हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी का व्याकरण, ये पोर्शन है, ये टॉपिक है। इस पर वीडियो लाएंगे और संपूर्ण पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो हम किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे, किन किन विषयों पे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काव्यशास्त्र में, हिंदी काव्यशास्त्र में रस, अलंकार, छंद, काव्य पुराण, काव्य गुण, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, उनकी रचनाएं, हिंदी गद्यांश, काव्यांश एवं उनके संबंधित ग्रंथ, हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार, पत्र लेखन। अब व्याकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना व्याकरण के हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम करते भी हैं तो वो त्रुटिपूर्ण रहेगा, ठीक, वह शुद्ध हिंदी नहीं कहलाएगी। हिंदी व्याकरण में पहला जो लाएंगे हम वीडियो, वो रहेगा हिंदी वर्णमाला बोध, हिंदी शब्द रचना, हिंदी वाक्य दोष, हिंदी वर्तनी दोष। तो हिंदी जो वर्तनी दोष है, क्या दोष होते हैं, उस पे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो दूंगा, जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक क्लियर करूंगा, शायद ही कोई ऐसा करता होगा, शायद ही आपको यूट्यूब पे इस टाइप के वीडियो मिल पाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही बेहतरीन दूंगा, ठीक है। हिंदी वर्तनी दोष, समास, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, ठीक, अनेकार्थी शब्द, समोच्चारी शब्द, वाक्य के अंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये सब वाक्य के अंग होते हैं। मैं ऐसे चीज़ों को बोलूँगा ना एग्जांपल में, कि आप कहेंगे कि ये कुछ और है, जबकि वो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा या क्रिया विशेषण रहेंगे। लिंग, कार्य एवं उनके वचन, कारक और उनके प्रयोग, हिंदी शब्द भंडारा, मुहावरा एवं लोकोक्ति, हिंदी भाषा, हिंदी और उनके बोलियां, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो ये जो पूरा सिलेबस है, देख लीजिए आप फिर से एक बार, ठीक, यही पूरा सिलेबस है इसका, हिंदी का। तो इसी पे मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण, ये तीन पार्ट में डिवाइड है। और इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा हिंदी कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा हिंदी का सिलेबस। एक दिन में एक टॉपिक आएगा और एक टॉपिक 30 से 35 मिनट का रहेगा, पूरा एकदम डिटेल में रहेगा। और इस तरह की से कोई नहीं आप सभी को समझा सकेगा जितना अंदर से समझाऊँगा। और इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर बोर्ड पे या कहीं और पे पढ़ाऊँ तो वहाँ पे आप लिख नहीं पाएंगे, आप नोट नहीं बना पाएंगे सही तरीके से। तो मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ, जिससे आप नोट भी बना सके वीडियो को रोक के, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, हिंदी का जो सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाहर से कंपटीशन में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक, इसी के अंदर सारा हिंदी समाहित है। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक। यूपी के लिए, तो जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खासतौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।